अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अब बस 5 दिन बचे हैं। 12 जुलाई को ये जोड़ी शादी के बंधन में बन जाएगी, लेकिन उससे पहले ऐसा संगीत कार्यक्रम हुआ जो बहुत ही खास और हमेशा के लिए यादगार बना रहेगा। देखिए, सब जानना चाहते हैं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत कार्यक्रम में क्या हुआ। संगीत में समा बांधा इस पेशकश ने परिवार में नई खुशियों को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मंच पर पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ परफॉर्म किया। अनंत और राधिका की शादी से पहले हुए संगीत कार्यक्रम में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ। अनंत और राधिका की लाजवाब केमिस्ट्री को म्यूजिकल और यादगार बनाने के लिए बहुत ही खास मेहमान मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। मंच पर अंबानी परिवार का एक साथ आना और इस तरह जश्न मनाना, ये संगीत का ग्रैंड फिनाले रहा। लेकिन देश में होने वाले इस सबसे भव्य शादी की तैयारियों का तो ये शुरुआती दौर है। इससे पहले खास रहा भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियन के स्टार खिलाड़ियों का पहुंचना। इस मौके पर खास पूजा हुई। कैप्टन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, क्रिकेटर्स ने पूरे परिवार के साथ विशेष पूजा की और फिर सब शामिल हुए संगीत के ऐसे प्रोग्राम में जिसकी चर्चा हर तरफ है। क्योंकि यहाँ तो खुशी डबल है। शादी से पहले मुंबई इंडियंस के सितारों ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की बड़ी जीत दिलाने में एक अहम भूमिका अदा की है। We are all family here, but I have another family who has made the nation proud, who has made everybody's heart swell with pride, and because of whom the celebrations don't stop. So I cannot tell you what an overwhelming feeling it is to have my Mumbai Indians family with me here tonight. अनंत और राधिका की शादी से पहले खुशी और जश्न का लेवल आप समझ सकते हैं। आखिर इस मौके पर ये दोहरा जश्न ही कहा जाएगा। Tonight is a day of celebration, but tonight, besides Anant and Radhika, we are going to celebrate India. So with great pride, I call on stage our winning captain Rohit Sharma. रोहित शर्मा के बाद बारी थी सूर्य कुमार यादव की और उनका जिक्र नीता अंबानी ने बहुत ही खास तरीके से किया। No shouting is good enough, no screaming, no cheering is enough. And now that one boy standing on the boundary had all our hearts in our mouths. The one boy only, Mr. Surya Kumar. क्रिकेट के दो स्टार स्टेज पर आ चुके थे। इसके बाद मंच पर आए वो ऑलराउंडर जिनके रफ टफ मिजाज का पूरा देश कायल है। There is one teenager that we discovered, the person who everybody lost their breath in the last over. Who were all holding your breath in the last over? And he proves one thing: tough times don't last, tough people do. A biggest round of applause for Hardik Pandya. इस तिगड़ी को देखिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, साथ ही पूरी टीम ने देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद मुकेश अंबानी भी मंच पर आए और उन्होंने 2011 की यादगार जीत का जिक्र किया, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ इंडिया, थैंक यू फॉर bringing the cup back. Mahi was here today
And I told him, we were in 2011 together, and you have done it in 2024. And all of India is very proud of you. Congratulations. So, Bharat ki shaan hai ye yahan aur puri Indian team. प्री वेडिंग से लेकर अब शादी के मुबारक मौके तक यहाँ जश्न में रौनक बिखेरने के लिए देश और विदेश से बड़े सेलिब्रिटीज लगातार शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जामनगर और फिर इटली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी, तब बॉलीवुड सितारों से लेकर कई इंटरनेशनल स्टार्स ने भी रंग जमाया था। अब यही जश्न 12 जुलाई तक जारी रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हर तरफ छाई हुई है। संगीत के बाद अब भी बहुत सी रस्म बाकी है और हर रस्म में रौनक बढ़ती जा रही है। अभी बहुत से कार्यक्रम होने हैं और आने वाला हर दिन अनंत और राधिका की धुनों में पिरोया जा चुका है।